कुंड महेश्वर। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 19 जनवरी 2024 से ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष ग्रही बदलाव होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, डिग्री वाइज बलवान हो रहे हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए 19 जनवरी 2024 को देव गुरु मंगल से प्रभावित अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में बलवान हो रहे हैं। बाल अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और 10 मार्च 2024 तक गुरु बलवान रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में देव गुरु कई राशि वाले जातकों को परेशानी और बाधाओं से बाहर निकालने वाले हैं। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, गुरु की बदल रही चाल किन किन मामलों में आपको सकारात्मकता प्रदान कर सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता भी रहने वाली है। तो देखिए देव गुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो सबसे प्रभावशाली है और सबसे शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति को धन, धर्म, वैवाहिक जीवन, नियम, शिक्षा, दर्शन, ईमानदारी, संतान, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर बृहस्पति का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर बलवान अवस्था में विराजित हो, यानी अपनी राशियों में हो, धनु और मीन में हो, या केंद्र में यानी त्रिकोण भाव पर या केंद्र में विराजित हो, तो इनके प्रभाव बहुत शुभ देखने के लिए मिलता है। गुरु के बलवान होने पर जातक ज्ञान और समृद्धि आसानी से अर्जित कर सकता है। गुरु के शुभ प्रभाव से भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं धर्म कर्म के प्रति विशेष झुकाव होता है। गुरु जन्म कुंडली पर बलवान होते हैं, करियर में उन्नति, रिश्तों में भरपूर सहयोग, वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग दिलवाते हैं, संतान की उन्नति करवाते हैं। वहीं गुरु बृहस्पति अगर बलवान होते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य को भी आसानी से प्रदान करते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर खराब अवस्था में विराजित होते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां जीवन में मिलती है। शादीशुदा लोगों के बीच में संतान को लेकर कष्ट होता है, संतान उत्पन्न करने में समस्याएं होती है, विवाह होने में विलंब का सामना करना पड़ता है। वहीं गुरु अगर खराब होते हैं, पेट में समस्याएं होती है, थायराइड की बीमारी, बीपी की समस्या होती है, वहीं पेट में गैस बनना, अपच होना, पेट में फैट बनना, यानी पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है वो सभी गुरु बृहस्पति के पीड़ित होने पर मिलने लगती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु किन किन मामलों में आपको शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धनु राशि वालों, देव गुरु आपके प्रथम और चौथे भाव के स्वामी होकर 19 जनवरी 2024 से आपके पांचवें घर पर प्रभावी होने वाले हैं। पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है और इस भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, हायर एजुकेशन के बारे में, पूर्व पुण्य के बारे में विचार करते हैं। वर्तमान में देवगुरु इस समयावधि में यानी 19 जनवरी 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच में जो अपनी पंचम दृष्टि है दर्शकों, वो आपके राशि के भाग्य भाव पर डालेंगे। सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालने वाले हैं। नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर डालने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आसानी से मिलने वाला है। देव गुरु बृहस्पति की बलवान अवस्था सबसे पहले आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। वहीं आपके व्यक्तित्व को काफी आकर्षण से भरा हुआ बनाने वाली है। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में आसानी से श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचने में सफल रह सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति के ही शुभ प्रभाव से करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वर्तमान में
यदि आप न्यायाधीश हैं, काउंसलर हैं, बैंकिंग सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, कोरियोग्राफी के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, मठाधीश, पुजारी, महंत या किसी प्रकार के वाणी से जुड़े हुए कार्य यदि आप कर रहे हैं, तो ये समय धनु राशि वाले जातकों को आसानी से बड़ी सफलता देने जा रहा है। देवगुरु भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, इसकी वजह से आप अपने जीवन में आसानी से कार्य व्यवसाय को अर्जित करने में सफल रहेंगे। ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही बेहतर है। किसी प्रकार के कार्य की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी प्रभाव से आपका स्वास्थ्य काफी ठीक होने वाला है। पिछले समय से यदि आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या बनी हुई है, उससे धनु राशि वाले जातकों को आसानी से निजात देखने के लिए मिल सकती है। धर्म कर्म में आपका जुड़ाव होगा, पूजा पाठ, धार्मिक स्थान में आप जा सकते हैं, पवित्र नदियों में यदि आप स्नान करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से धनु राशि के जातकों को पैसे के मामले में यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आर्थिक मामलों में चले आ रहे सभी प्रकार की बाधाओं से देवगुरु आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं और आपको उन्नति दिलाने वाले हैं। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और यदि आप धन को बचा नहीं पा रहे हैं, बचत भी आपके जीवन में साथ साथ होने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, कुंडली का जो 11वां घर होता है वो मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है। ऐसे में यदि आप पिछले समय से किसी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, करियर से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई है, वो देवगुरु बृहस्पति आसानी से इस समयावधि में आपको पूरा करवा सकते हैं। और 1 मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में जाएंगे, उसके पहले ही ये गुरु बृहस्पति आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाले हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को माता पिता, घर के बड़े सदस्य, गुरुजनों का विशेष सम्मान करना चाहिए। गुरुजनित सकारात्मकता जीवन में अर्जित करने के लिए किसी का निरादर करने से आपको बचना है। उसके साथ साथ यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।